हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए लिख रही हूँ एक फ्रैंकी डोसा एंड स्वीट डोसा। चलिए शुरू करेंगे। एक फ्रैंकी डोसा के लिए स्टोव के ऊपर एक कढ़ाई रख के वो गर्म होने के बाद उसमें एक चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल के अच्छा से फ्राई कीजिए। फ्राई होने के बाद आपने लंबा पतला काटा हुआ गाजर का स्लाइसेस को भी डाल के थोड़ा फ्राई कर दीजिए। फ्रेंड्स, इधर फ्लेम को हाई पे रखना, वैसे नूडल्स को रख रहे हो वैसे। अभी गाजर थोड़ा फ्राई होने के बाद आपने पतला लंबा काटा हुआ शिमला मिर्च को भी डाल दीजिए। उसके बाद आपने कैबेज भी लंबा पतला स्ट्रिप्स जैसे काट के डाल दीजिए। उसके बाद प्याज भी आपने डाल के अच्छा से मिक्स कर दीजिए। उसमें स्वादानुसार नमक और पेपर, काली मिर्च का पाउडर डाल के फ्राई करके साइड पे रख दीजिए। अभी हमको फ्रैंकी मसाला सब्जी रेडी हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद आपने एग लेके उसको तोड़ के एक बाउल में ले लीजिए। उसमें हल्का नमक और काली मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर डाल के उसको अच्छा से मिक्स कर दीजिए। अभी एग का मिक्सचर भी रेडी हो गया। उसके बाद आपने तवा को लेके स्टोव के ऊपर रख के उसको गर्म करके उसके बाद जो पहला बना हुआ डोसा बैटर को अपने तवा के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, इधर मैंने डोसा का बैटर आपको कैसे बनाना पहला दिया हुआ डोसा स्टाइल और बटर मसाला डोसा में दे दिया था, आप उसको चेक कर दीजिए। अभी डोसा स्प्रेड हो चुकी है, उसके ऊपर एक चम्मच ऑयल डाल दीजिए, उसको थोड़ा देर पका दीजिए। फ्रेंड्स, थोड़ी पकने के बाद जो पहला रेडी किया हुआ एग को लेके डोसा के ऊपर डाल के अच्छा से स्प्रेड कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी आपने अच्छा से एग मिक्सचर स्प्रेड होने के बाद थोड़ी देर फ्राई कर दीजिए। उसके ऊपर एक चम्मच भी ऑयल डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये ऑयल का ऑप्शन आपका मर्जी है। फ्रेंड्स, अभी एग का बैटर भी अच्छा से पक हो चुकी है, डोसा भी हमको अच्छा से पक हो चुकी है। उसके बाद जो पहला रेडी किया हुआ फ्रैंकी मसाला डोसा के ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद आपने एक दो मिनट पका दीजिए। अभी पूरा रेडी हो चुकी है। आप इसको जो वीडियो में मैंने दिखाया उसको ऐसे निकाल के सर्विंग प्लेट में ले लीजिए। यही है फ्रेंड्स एक फ्रैंकी डोसा मसाला बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप ट्राई करके ज़रूर। फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियोस को अच्छी तरह से एंडिंग तक देखिए, तभी आपका रेसिपी बनाने को अच्छा से आएगा। फ्रेंड्स, अभी हमने स्वीट डोसा बनाएंगे। फ्रेंड्स, स्वीट डोसा के लिए स्टोव के ऊपर एक कढ़ाई रखे, उसमें नारियल लीजिए, उसको थोड़ा फ्राई करके उसमें आपका टेस्ट के नाप से आपने घोड़ डाल के या चीनी भी डाल सकते हो, वो आपका ऑप्शन है। वो भी डाल के अच्छा से मिक्स करके स्लो फ्लेम में पका दीजिए। अभी घोड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो के मिक्स होना चाहिए। अभी उसमें पाव चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए और एक चम्मच, वो ऑप्शनल है आपका टेस्ट के अनुसार,
ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी डाल के उसको अच्छा तरफ से मिक्स कर दीजिए और पतला करने को थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स करके अच्छा से पका दीजिए। बस यही है फ्रेंड्स मीठा डोसा के लिए स्वीट। फ्रेंड्स अभी स्टोव के ऊपर तवा रख के वो गर्म होने के बाद जो पहला बना हुआ डोसा बैटर को लेके आपने अच्छे तरह से स्प्रेड कर दीजिए। अभी डोसा बैटर स्प्रेड होने के बाद उसके ऊपर एक चम्मच ऑयल डाल के डोसा को अच्छा तरह अच्छा से फ्राई कर दीजिए। उसके बाद जो पहला बना हुआ कोकोनट स्वीट को डोसा के ऊपर स्प्रेड करके आप पका दीजिए थोड़ी देर। तो डोसा अच्छा से फ्राई होने के बाद आप निकाल के सर्विंग प्लेट में लीजिए। यही है फ्रेंड्स स्वीट डोसा बनाने को तरीका। ये बच्चों बहुत पसंद करता है, आप ज़रूर ट्राई करके बच्चों को खिला दीजिए। फ्रेंड्स ये मेरा रेसिपीज आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा अपलोडेड वीडियोस आपको जल्दी पहुंच जाएगी।